लंका का कबाब पराठा। ये लो, जितना रेट था सारा ले लिया, हो जाएगा इतना में। अरे वो लेके आया, गोडाउन से लेके आया वो। प्लान मेरा ऐसा है कि उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह डाल दिया जाए, जैसे कि थंडर वगैरह, क्योंकि जो स्टोरी है ना अपना, वो ऐसा है कि कुछ सीनियर्स निकलते हैं जंगलों में फ्रेशर्स पार्टी की खोज के, फ्रेशर्स पार्टी की खोज में, और उन्हें नहीं मिलता है, वो नदी नालों को पार करते हैं। इसी तरह से हमारा स्टोरी भी होता है, तो उसमें भी वॉइस ओवर म्यूजिक वगैरह होगा। देखते हैं कैसा जाता है ये, आगे रियल सर मिल रहे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। फिर रोहित का डांस कर देते हैं कि सॉन्ग, फिर डांस ये कर दो। इस चूहे में अगर गोप्रो लगा देते ना तो ऐसा व्यू आता, देखो चूहा जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ गोप्रो जाता। देख रहे हो हमें भी पास दिया जा रहा है, एंकर भी बिना पास के नहीं घूम सकते हैं। एक पोएट्री बीच में रखा हवा का छोटू, पूरे ढाई साल का एक्सपीरियंस है ये, बहुत जरूरी है। जितने साल मेरे हुए ना कॉलेज में, उतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा छोटू। Taking you to the music group. Abhi ye log rehearsal kar rahe hain. Editor's choice. Batawa dulhe raja, sattar jila bhojpuriya rase aage padhe na. Batawa dulhe raja, dahej leve kate na. Batawa dulhe raja, gaadi leve ghoda leve leve hero handa. Bagau bachar danda. बस यही इतना ही, आस पास कोई गांव नहीं। ठीक है, एसएसटी का वो हर जगह प्रेशर्स की डेट खोजते हैं। फिर और दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। अगर ऐसा है तो आसपास कोई गांव नहीं, पर प्रेशर्स की डेट नहीं, वो नदी पहाड़ों को पार करता है। फिर मौसम बीत जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, और उम्मीद की किरण फीकी पड़ जाती है, फिर एक आशा की किरण दिखती है।
फाइनली ब्लेजर हमने ले लिया है, बढ़िया से पैक हो गया ये। अरे भैया ने गिफ्ट बोल के दिया नहीं हमको गिफ्ट के लिए, भैया पैसा मांग रहे अलग। कूपन कूपन का सीन ऐसा है ना कि उसके लिए तुमको 4900 का खरीदारी करो, 4500 का खरीदारी करोगे तो 1500 का डिस्काउंट। इन खर्च आखिर आप करवा ही दीजिएगा। तो मैं रुका हूँ कुछ खाने के लिए गुरुधाम क्रॉसिंग के पास बोलिस वड़ा पाव पे, बट हम वड़ा पाव नहीं, हम चाउमीन खाने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे पावर बैंक लेने एंड दैट्स ऑल। उसके बाद सीधा घर जाना है क्योंकि कल प्रेशर है, सारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट रिहर्सल करनी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रेशर्स के एक दिन पहले मिलते हैं कल गाइस। सो फाइनली हियर वी आर ऑन फ्रेशर्स डे, टुडे इज द डे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फाइनल टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग वगैरह हो रही है, जो आखिर की चीजें होती है। लाइट वाइट सब लग गई हैं, पोस्टर्स तो तुम देख ही चुके हो, सारे पोस्टर्स हैं। ये भी स्टेज का काम चल रहा है यहाँ पे। ये क्या है? फुटपाथ है, फुटपाथ। बिना इसके खाना नहीं मिलेगा। फिलहाल एवरीथिंग इज रेडी, अभी होस्टिंग के लिए मेरी को होस्ट आने वाली है, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रिहर्सल करेंगे और वी विल रेडी टू गो। फिर अपने को सिर्फ जूनियर्स का वेट है, जस्ट आएंगे देन विल स्टार्ट द प्रोग्राम। सो फिलहाल ये अपना माइक रहने वाला है, इसमें भी हम बोल सकते हैं, और अगर घूम घूम के बोलना हो तो फिर ये है। हेलो हेलो चेक 1 2 3 4 हेलो हेलो माइक चेक। कैसा है पीछे का साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है पीछे? तो जल्दी करके बैलून लगवा यार, बल्कि मुझे कर रहा ठीक है, सोलो के बैलून जल्दी। भाई तब तुम्हारा काम है भाई, भाई वेदांत अपने काम पे भाग रहा है देखो। ऐसा कुछ नहीं है, वेदांत इज डूइंग गुड। थोड़ा गिटार का आवाज़ कम होना चाहिए तो वॉइस ज़्यादा होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं ऑडियंस क्या कर रही है। हरीश कुमार अपने फोन में बिजी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। नमस्कारम नमस्कारम वणक्कम। भाई आजकल गुड्डे बिस्किट खा के भी दिन अच्छा नहीं जा रहा है लोगों के अच्छे दिन नहीं टिकते, हमारे बुरे कैसे टिकेंगे। हाय कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत मजा आने वाला है। काफी उमंग में बिल्कुल टिकट बांटेंगे आज। हर दर 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 एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने अपने दोस्तों के लिए जो हमेशा आपके साथ रहते हैं हर मुसीबत में। भाई बोल रहे हैं ना कि छोटा वाला माइक लाके यहाँ रख लो। भाई देखो यार कितने तेजस्वी लोग हैं यार, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। Thank you.
लो मेरे को होस्ट से नेहा परमार। फाइनल लिखो जल्दी। बिल्कुल टाइम नहीं है क्या नेहा, चलो फाइनल लिखते हैं। फेयर लिखना है। ये चार्ज ले क्यों नहीं रहा यार? तो प्लीज सबर कराए। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अधर्म से धर्म की ओर ले चले, तथा मृत्यु से जीवन की ओर ले चले। मैं आपको बता दूं, हमारी धर्म सभ्यता संस्कृति चिंतन तथा कला में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप प्रज्वलन की परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कृपया खड़े हो जाए। सुरेश नायक सर हमारे मालार्पण कर रहे हैं। Editor's choice. सर अपने मन से डायलॉग बोलने वाले शोले फिल्म का, और मैं नहीं बताऊंगा कौन सा डायलॉग है, आप लोग सीधा डील से सुनो सर। कुछ भी बोल ले।